ये जानने की कोशिश करती है कि उसे किसी तरह की चोट तो नहीं आई। पुलिस वाले आखिर तक वहां डटे रहते और जमीन पर लेटी महिला को उठने नहीं दिया जाता। एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर किया और पुलिस के तरीके पर सवाल उठाए। शख्स ने लिखा है, आपने मास्क नहीं पहना क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ऐसा करने पर आपको टेजर गन झेलनी पड़ेगी और पुलिस आपके साथ ज्यादा हिंसक हो सकती है। देखिए, मैड्रिड में यही हुआ और जल्द ही आपके शहर में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। वायरल मैसेज में तीन बातें साफ तौर पर बताई जा रही है। पहला, महिला ने मास्क नहीं पहना है। दूसरा, टेजर गन के जरिए पुलिस कर्मी महिला का टॉर्चर कर रहा है। और तीसरा पॉइंट ये कि इस वीडियो को स्पेन के मैड्रिड शहर का बताया जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कुछ सवालों के जरिए इन दावों की पड़ताल शुरू की। क्या वाकई मास्क न पहनने के चक्कर में महिला को टॉर्चर किया गया? जो गन वीडियो में नजर आ रही है, क्या उससे करंट लगाया गया? वीडियो देखने पर एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि ये वीडियो कोरोना काल का ही है, क्योंकि जितने भी पुलिस वाले हैं वो मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। अब हमने इसकी वजह तलाशनी शुरू की, क्योंकि अब तक हम लोगों ने जो भी वीडियो देखा है उसमें मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना वसूल करते तो दिखाया गया है, मगर इस तरीके का टॉर्चर अब तक नहीं देखा गया। हमने स्पेन में कोरोना काल के दौरान महिला के टॉर्चर के वीडियो खंगाले, तो इस दौरान 27 नवंबर 2020 को छपी एक स्पेनिश रिपोर्ट में इसे जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में लिखा है, वायरल वीडियो स्पेन के कैटालोनिया का, न कि मैड्रिड का। कोविड-19 रूल की वजह से इसे कुछ देर बाहर खड़े रहने को कहा था, न कि जबरन सड़क पर पकड़ा गया था। महिला अपनी मां के साथ मास्क पहनकर पहुंची थी। पुलिस ने इसे मास्क पहनने के लिए नहीं कहा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महिला हंगामा करने लगी और ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर झगड़ने लगी, तो पुलिस ने उसे टेजर गन से काबू करना चाहा। इस इलेक्ट्रोशॉक की वजह से महिला कुछ देर के लिए बेहोश हुई, हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह हमारी पड़ताल में ये दावा गलत। टी न्यूज़ नेशन।